हरियाणा के फरीदाबाद जिले की अरावली की वादियों में आयोजित होने वाले 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले की औपचारिक शुरुआत की और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान सूरजकुंड मेला भारतीय संस्कृति को दुनिया को दिखाने का नायाब उदाहरण पेश करेगा। इंडिया एट द मोमेंट फ्रेंड्स इज प्रेसिडेंट ऑफ SCO एंड G20। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री एंड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इंडिया पर्टिकुलरली इट्स कल्चर, जिसमें सूरजकुंड मेले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेले को अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराने वाला मेला बताया। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। बहुत प्रकार के यहाँ बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो बनाते हैं तो केवल हाथों का काम नहीं है, जब वो ऐसी चीजें बनाते हैं तो उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके विचार एक सांस्कृतिक पहचान छोड़ते हैं, एक बहुत बड़ा एक मंथन होकर के, और इस प्रकार के जो कलाओं का जो संगम होता है उसका दर्शन होता है। SCO देशों को मेले में भागीदार राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, तो वहीं इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना अच्छा सोचा और सूरजकुंड मेला में उन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट थीम रखा हुआ है। दैट इज़ प्राउड फॉर नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों के लिए बहुत प्राउड है। और अच्छा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को लेके इतना लोग, पहले लोग नहीं जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, क्या जगह है, किस टाइप का समा, अभी देखिए हम लोग एवरीवेयर, हम लोग नॉर्थ ईस्ट सभी जगह गए, उत्तर भारत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में हम लोग को पहचान मिल रहा है। मेले में दर्शकों को लुभाते फूड स्टॉल भी देखे जा सकते हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों के व्यंजन न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी मेहमानों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। लोग यहाँ पे जो खा के जो उसको टेस्ट फील किया हुआ है, इट्स अमेजिंग रेस्पॉन्स है। काफ़ी लोगों ने उसको मतलब एक सरप्राइज हिसाब से देखा, वेज को कैसे नॉन वेज में टेक्सचर आपने कन्वर्ट किया, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला हुआ है। एंड स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आया हुआ है, आई एम हाईली अप्रिशिएट, उसने एक हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को फॉरेनर जितनी है वो खा के अप्रिशिएट किया, मतलब मॉक मीट के हिसाब से अब हिंदुस्तान इतनी आगे चला गया, तो जो फॉरेनर्स आके जो हम लोग को जो एक आपको एक मोटिवेशंस दिया ना, दैट इज आवर ग्रेट थिंग्स। इस मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। गिरीश निशाना, DD News, सूरजकुंड, हरियाणा।